अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं, इसमें हर दिल्ली वासी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें पूरा सहयोग किया। सबने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों ने इतने कम समय में कोरोना के केस कम कैसे कर लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है। लेकिन लड़ाई अभी जीती नहीं गई है, लड़ाई अभी बाकी है। अभी भी 8,500 केस आए हैं, इनको जीरो तक ले जाना है, कोरोना को पूरी तरह खत्म करना है। और दूसरी बात, हम अगर अब ढीले पड़ गए तो ये केस फिर बढ़ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये कम ही रहेंगे, फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है। इसीलिए किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सारे लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं, नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में बेहद दुखदाई, बहुत दुखदाई दिन बीते। पिछले सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्ली वासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में तो एक से ज्यादा मौत हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे, हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था, अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त प्यार की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों से विनती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार हैं। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज ईद का त्योहार है, ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।